Dear students, I'm going to discuss with you now the concept of mathematical expectation. As you already know, it's a very important concept in distribution theory, and I would like to discuss it with you for the discrete random variable as well as the continuous random variable. आइए हम पहले continuous variable की बात कर लेते हैं. इसकी जो formal definition है, that is as follows. Let x be a continuous random variable and its PDF is given by small f of x. Then, if the following condition holds, which condition? That the integral from minus infinity to infinity of the modulus of x multiplied by f of x, yani the absolute value of x multiplied by f of x, ye jo product hai, iska jo integral hai from minus infinity to infinity, if that is a finite quantity, then the mathematical expectation of x is given by e of x. Expected value of x is equal to the integral from minus infinity to infinity of x into f of x. आप देखें कि generally first year, second year वगैरह में हम लोग ये जो मैंने बाद में कहा है उसका जिक्र तो करते ही रहते हैं कि e of x is given by the integral of x into f of x. लेकिन जो condition उसके साथ attached है एलिमेंट्री लेवल्स पे उनको डिस्कस नहीं करते. जो मैंने आपको इस वक्त डेफिनेशन दी है, दैट इज द रिगोरस डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. और जो कंडीशन आपको बताई है, दैट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर फॉर अस टू बी एबल टू से दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स. आइए अब हम डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हैं. इफ कैपिटल एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पी ऑफ एक्स एंड द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड, विच कंडीशन? दैट द समेशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स. लेट मी से इट अगेन. आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को कॉरेस्पॉन्डिंग पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें और ये जो इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स आए उनकी समेशन आप जब लें, इफ दैट सम इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, देन वी कैन से दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स इज गिवन बाय द समेशन of x into p of x. Again, the same story. Ke elementary level pe hum discrete variable ki jo expected value hai, usko exactly isi tarah bayan karte hain ke it is the summation ya sigma x into p of x. Lekin jo condition uske saath attached hai, jo maine abhi pehle aapke samne rakhi hai, that we don't discuss at that level. ये कंडीशन जो है इसका फुलफिल होना जरूरी है इन ऑर्डर फॉर अस टू बी एबल टू से दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इनटू पी ऑफ एक्स. अब मैंने ये जो बात आपसे की है दोनों केसेस में, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट केस में, इनमें से एक केस का एग्जांपल आपके सामने रखती हूं. सपोज दैट वी हैव डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन बाय x is equal to minus 1, 0 and 1. Yani x variable jo hai hamara, uski teen values hain, minus 1, 0 and 1. Aur farz kar lijiye ki minus 1 ki probability jo hai, that is equal to 1 by 4. Aur 0 ki jo probability hai, that is equal to 1 by 2 ya 2 by 4. Aur 1 ki jo probability hai, that is again 1 by 4.
तो जाहिर है कि 1 बाय 4 प्लस 2 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 4 बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर दिस इज अ प्रॉपर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर मैं इसका मीन निकालना चाहूं, क्योंकि आप जानते तो हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो ई ऑफ एक्स या म्यू यानी मीन अगर मैं इस वेरिएबल की निकालना चाहूं, तो एलिमेंट्री लेवल पे जो फॉर्मूला था वो हम अप्लाई कर देंगे. लेट मी डू दैट फर्स्ट. अभी दो कॉलम है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम माइनस वन जीरो एंड वन और दूसरा कॉलम वन बाय फोर टू बाय फोर एंड वन बाय फोर. तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. जाहिर है कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सम करना है. सो एक्स into p of x minus 1 into 1 by 4, so that gives me 1 by 4. Uske baad 0 into 2 by 4, that gives me 0. Aur uske baad 1 into 1 by 4, that gives me 1 by 4. Ab is ye jo products aaye hain, inko add kar lijiye. Minus 1 into 1 by 4 se aaya tha, minus 1 by 4. अगला आया जीरो, अगला आया वन बाई फोर. एड करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली जीरो. सो वी आर सेइंग दैट द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू जीरो. और वो हमें वैसे भी पता था बिकॉज इट इज एन एब्सोल्युटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो बिल्कुल दो मिनट में आपके सामने आ जाएगा कि इट इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिक. और जब एब्सोल्युटली सिमेट्रिक होती है तो मीन जो है वो बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है. तो माइनस वन और वन के बीच में जो सेंटर है जीरो, वही हमारी मीन की वैल्यू आ गई है. लेकिन स्टूडेंट्स, मैं असल में इस बात के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल प्रेजेंट नहीं किया. आई वांटेड यू टू सी एंड आई वांटेड टू सी कि जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही. कंडीशन क्या है? दैट द समेशन ऑफ the product absolute value of x multiplied by p of x, ye wale jo products hain inka jo sum hai that should be a finite number. Aaiye isko try kar lete hain. Ab hamara column jo hai x ka, ek aur column bana lete hain, modulus of x absolute value of x. To kya thi values hamari? Minus 1, 0 and 1. Ab inka absolute value le lijiye, 1, 0 एंड वन. एब्सोल्यूट वैल्यूज जो आ गई हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रोबेबिलिटीज के साथ. व्हाट डू वी गेट? 1 इंटू 1 बाय 4 इज 1 बाय 4, 0 इंटू 2 बाय 4 इज 0 एंड 1 इंटू 1 बाय 4 इज 1 बाय 4. एड कर लीजिए. व्हाट डू यू गेट? 1 बाय 4 प्लस 0 प्लस 1 बाय 4, इट इज इक्वल टू 2 बाय 4, इट इज इक्वल टू हाफ. कंडीशन सिर्फ ये थी कि ये जो आंसर है इट शुड बी लेस देन इंफिनिटी, इट शुड बी अ फाइनाइट नंबर. सो द आंसर दैट वी हैव गॉट जस्ट नाउ, 2 बाय 4, 0.5, इट इज अ फाइनाइट नंबर. उसका जो आंसर है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अ फाइनाइट नंबर. ये कंडीशन पूरी हो चुके पूरी हो गई है. इसके पूरे हो चुकने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये कह दें कि जो पहले हमने किया था समेशन x इंटू p ऑफ x, वो जो आंसर आया है दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ